रोहित करात आपले संकेत, आपल्या टीमने कुठेही जायचं नाहीये, कदाचित पुढचा मॅच तुमचाच असू शकेल, त्यामुळे उमेश नायडू, अमोल व्यापारसेल, साजिद भाई यांनी ही माहिती आपल्याला दिलेली आहे. मांडवगण फराटा आणि एच जी टायगर मंचर दोन्ही संघाचा 12th man पाठवणं गरजेचं आहे पहिल्या चेंडू डिलिव्हर होण्यापूर्वीच. राहुल टीबीएस नारायणगाव आपला 12th man पाठवा प्लीज. बॅटिंग करणारी टीम रणजीत. दोन्ही संघाला विनंती, आपण आपला 12th man या ठिकाणी पाठवा. ज्या संघाचा 12th man येणार आहे त्या संघाला पॅनलाइज केले जाणार आहे, विनंती दिली जाणार आहे. रणजित पराटे और राजू पाटे नॉस्टा क्रिएट पर. रणजित की दूसरी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी. और खास करके मुझे याद है जब सिरसन चैंपियन ट्रॉफी में पिछले साल कमाल का प्रदर्शन किया था रणजित ने. एक तरफ अमोल जैसे खिलाड़ी है जो आक्रामक बल्लेबाजी हमेशा करते हैं, लेकिन आज इस मैच में ऑलराउंडर खिलाड़ी रणजित पराठे ने पूरी तरह से बांध के रखा पहली दो गेंदों पर. इस बार कद्दों का इस्तेमाल किया गया, काफी ऑफ टेप के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा उमेश नायडू ने किया. स्कोर इसी के साथ एक. चौधरी परिषद देवरोड प्रेजेंट स्वच्छता ही सेवा 2024 का भी अद्भुत खेल आप देख रहे हैं. फील्डिंग थर्ड पॉइंट कावा लॉग ऑफ, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी है. वेरी गुड डिलीवरी, ब्यूटीफुल लाइन, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. टिप्पा ऑफ टर्म के बाहर रख रहे हैं और अमोल गोडेकर गेंद को ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं. डुबकी लगाने से पहले पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है, और शॉट खेलने से पहले गेंद की लंबाई और लेंथ को पढ़ने की जरूरत होती है, भापने की जरूरत होती है. रंजीत की पहली दो गेंदों पर बिंदी है, उसके बाद में व्हाइट बॉल, तीसरी गेंद पर बिंदी, 3 गेंदों का खेल हुआ, स्कोर 1 रन. राजू पाटे और अमोल घोड़ेकर बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज. ऑफ टाइम के बाहर और उमेश नायडू है, नो बॉल का इशारा कर रहे हैं. ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश रंजीत पराठे द्वारा. मैंने तो सीरीज का अवार्ड मिला था सिरसा चैंपियन ट्रॉफी में, ये टूर्नामेंट भी जल्दी आ रहा है अगले महीने में, और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था रंजीत ने. फाइन लेग पर अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी है बॉडी लाइन पर, अच्छा कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल. दीपक मौजूद है बॉडी लाइन पर, ऑन साइड पर, और बहुत बढ़िया तरीके से जज किया, नहीं तो एक बार फिर वो गेंद जाती बॉडी लाइन की तरफ. स्कोर 3 रन, इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे अपने टीम के लिए बल्लेबाज अमोल घोड़ेकर. और इसी बीच राजू द बॉस पधार चुके हैं टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता. सुपर से ऊपर वाला मैच जिसमें रोहित करात और संकेत यादव का प्रदर्शन कमाल का रहा, और दर्शकों ने एंजॉय किया. लाइव जितने दर्शक थे वो भी एंजॉय कर रहे थे. राजू ऑन स्ट्राइक, राजू पाटे एक और प्रोफेशनल खिलाड़ी, और सामने बैंक ऑफ इंडिया एंड से गेंदबाजी करने के लिए रंजीत पराठे तैयार. बहुत खूबसूरती के साथ हो किया, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी है, गेंद को नहीं रोक पाएंगे, वन बाउंस गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते हैं 4 रनों के लिए. राजू का आगाज दमदार, रन मिलेंगे 4, गेंद बॉडी लाइन के बाहर. इस बार राजू का पलटवार, राजू पाटे हमेशा बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, पुणे नगर के और एक बेहतरीन ऑलराउंडर. स्कोर पहुंच चुका 7 पर. देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था, लेफ्ट स्टंप के ऊपर गेम, ग्राउंड स्टॉप की जरूरत होगी, ग्राउंड पर प्लीज तैयार है.
शॉट बहुत बढ़िया था, थोड़ी खराब गेंद थी, लेग स्टंप की तरफ थी और लेफ्ट हैंडर के लेग स्टंप की तरफ गेंद है, छोटी गेंद है, तो समय मिला राजू पांडे के लिए। बैट स्विंग बहुत अच्छा था, टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, यह खतरा है, राजू का शिकार और रफ्तार में गिरफ्तार रंजीत पराठे ने बहुत अच्छा कैच लिया, भाग कर रनिंग कैच था, बल्लेबाज के रैंप पे। देखिए एक्शन रिप्ले में रंजीत ने किस तरह से वो कैच लपका था, क्रीज के करीब से, हालांकि स्टंप के करीब से गेंदबाजी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, रंजीत ने बहुत अच्छा कैच लपका। ये जवाब होता है किसी भी तेज गेंदबाज का, जवाब होता है ऑन साइड पर खेलना चाहते तो बैट्समैन करने के लिए समय नहीं मिला, बैकलिप का एक बार पर इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ, टप्पा खाने के बाद उछाल था और अच्छा जजमेंट रंजीत पराठे का। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्शन रिप्ले में आपने देखा कि रंजीत जो गेंदबाजी कर रहे हैं ना, तो देखिए एक बार फिर एक्शन रिप्ले, ये गेंदबाजी स्टंप के करीब से कर रहे हैं, कम इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है स्टंप के करीब से गेंदबाजी करते हैं, मैगराज शमी जैसे गेंदबाज जिनको आपने देखा कि स्टंप के करीब से गेंदबाजी करते हैं, तो ये एक्शन रिप्ले था, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। विशाल निगुट नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, टाइगर मंचर राहुल टीवीएस नारायणगांव बनाम मांडवगढ़ फराटा। नारायणगांव की टीम के लिए बस साझेदारी की जरूरत होगी क्योंकि राजू पांडे बैक टू द पेवेलियन चले गए और गेंदबाजी में परिवर्तन। क्षितिज के हाथ में गेंद है, बैंक ऑफ इंडिया एंड से गेंदबाजी करने का तैयार, सामने बल्लेबाज को आप देख रहे हैं अमल गोड़ेकर और सफेद की डिलीवरी, ब्यूटीफुल लाइन, टिप्पा काटने के बाद उछालता, गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेलना तो चाह रहे थे, बीट पे बल्लेबाज विकेट कीपर ने विकेट के पीछे अपना काम पूरा किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। सुंदर गेंदबाजी, उच्च कद के गेंदबाज जब होते हैं ना तो हैम एक्शन से गेंदबाजी होती है, बढ़िया लाइन और अच्छा एक्शन। ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाह रहे थे, थ्रो अच्छा होगा तो काम तमाम हो जाएगा, अमल गोडेकर का एक की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। राहुल टीवीएस नारायणगांव के उम्मीदों को लगता हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा झटका, राउंड विकेट गेंदबाजी, क्रिस के कोने का इस्तेमाल, टिप्पा खाने के बाद उछालता, गति बहुत अच्छी है, गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, कवर पर गेंद आई, अच्छा थ्रो और इसी के साथ क्षितिज ने अपना काम किया, अमोल गोडेकर बैक टू द पवेलियन, सेकंड विकेट, स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्रिक लेग पर अपने एक्शन रिप्ले देखा अमित शुक्रिया, और अभी तक 41 चौके आए हैं और 59 छक्के आए हैं। राउंड टीवीएस नारायणगांव टीम संघर्ष करती हुई, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, खास करके आप निगाह रहेगी विशाल निगोट के ऊपर, और एक ऐसे खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी करना जानते हैं, और सबसे बड़ी बात है विकेट के ऊपर खड़े रहना, खड़े रहने की जरूरत है ग्राउंड स्टाफ मैदान के अंदर, सीमेंट का विकेट है, इस विकेट पर गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक 12:37 का समय, छावनी परिषद देवरुण प्रेजेंट स्वच्छता ही सेवा 2024, चावनी परिषद देवरुंड प्रेजेंट स्वच्छता सेवा 2024, बहुत ही बेहतरीन आयोजन चावनी परिषद द्वारा और वेल सपोर्टेड बाय 11 चैलेंजर क्रिकेट क्लब। तो जो हमारे स्पॉन्सर है खास करके इनके तरफ भी जाएंगे इस ओवर के बाद, न्यू बैटर राजू पांडे का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिर गया और दबाव बनाते हुए गेंदबाज क्षितिज एक्सेलेंट बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रतियोगिता के लिए 1 लाख की नकद राशि और खुद से ट्रॉफी, चैंपियन बनने वाली टीम के लिए कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को ऑनसाइड पर पुल किया, विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक की गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक स्पिनर के साथ 1 रन ने मुकम्मल किया, कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था विशाल निगुट ने। कुणाल
फिलहाल स्ट्राइकर इन पर, न्यू बैटर मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर नितिन दास सूर्यवंशी, और क्षितिज तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। फील्डिंग थर्ड बेट पॉइंट, क्या हुआ, लॉन्ग ऑफ, ओ बढ़िया गेंद, क्षितिज ने कमाल की गेंदबाजी की है और इस मैच में कमाल करते हुए, कुणाल बैक टू द पवेलियन, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, इस ओवर में क्षितिज का दूसरा विकेट, बढ़िया गेंदबाजी। एक रन आउट है तो इनके नाम पर केवल एक ही विकेट जाएगा। क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, शानदार गेंदबाजी कर रहे, उच्च कद का फायदा उठाते हुए। ये एक्शन रिप्ले क्रिक लाइव द्वारा, राउंड विकेट गेंदबाजी, क्रीज के कोने का अच्छा इस्तेमाल, 34 स्टंप पर गेंद थी, खूब करके घुमा के खेलने का प्रयास किया गया, लेकिन कुणाल की आज ना ज्यादा नहीं चली। कुणाल बैक टू द पवेलियन, स्कोर 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। न्यू बैटर विनोद, wickets are falling in a regular interval, but that's the problem for batting side and now need a partnership. The fantastic bowling by Kshitij, bahut achhi gendbazi kar rahe, ek run out aur ek bahut mahatvapurna wicket aapne prapt kiya, aur ab Vinod ke upar darumdar number 5 par ballebazi karne ke liye aaye, on side par gend ko khel diya, find ek par Deepak bahut tezi ke sath gend ki taraf aaye, gend ko roka gaya, ek run lene ka mauka, ab dekhiye sabki nigah rahegi Vishal Nigot ke upar, इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 पर, दूसरा ओवर प्रगति पर, पहले ओवर में 7 रन, इस ओवर में रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सटीक लाइन पर सदी में गेंदबाजी, और इस मुकाबले के लिए अगर चर्चा की जाए तो आपने टॉस जीता, आपने फील्डिंग करने का फैसला लिया, तो आपके गेंदबाजों ने सही साबित किया, अभी तक सही साबित किया है, परगाव मांडगुंड पराठा, लेकिन विशाल निगोट एक ऐसे खिलाड़ी है जो क्रिकेट के परिभाषा को जानते हैं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। हवा में गेंद है, एक्स्ट्रा कवर पर रंजीत लिया कैच, आउट, क्षितिज का दूसरा बहुत बड़ा झटका, विशाल बैक टू द पवेलियन, विशाल निगोट बैक टू द पवेलियन जा रहे हैं, और रंजीत का रनिंग कैच। देखिए ये खिलाड़ी जो है ना, गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, और उसके साथ फील्डिंग भी बहुत ही बेहतरीन करते हैं। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, क्षितिज के गेंद बल्लेबाज 34 स्टंप की तरफ सफल हुए थे, फॉलो किया गया, गेंद 36 स्टंप की तरफ आगे थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी, कमर के ऊपर से खेलना तो चाहते, टाइमिंग अच्छा नहीं था, रनिंग क्या था रंजीत पराठे का, बहुत बढ़िया तरीके से कैच लपका, और क्षितिज बहुत खुश हो जाएंगे, नपी तुरी और घातक गेंदबाजी कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि रंजीत जो है ना, वो बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, और फील्डिंग भी कमाल के करते हैं। अब नए बैटर सागर पवार, अब इनको खेल करना होगा दमदार, करना होगा पलटवार, क्योंकि सामने से नपितुली गेंदबाजी, अच्छा ओवर था, सफल ओवर क्षितिज का, इस ओवर में 1 रन आउट 2 विकेट और केवल 2 रन आए हैं, क्या गेंदबाजी, 1 ओवर 2 रन और 2 सफलता 2 शिकार, क्षितिज एक्सीलेंट बॉलिंग, फैबुलस बॉलिंग। अब जिम्मेदारी होगी सागर पवार की और उनके साथ विनोद, लेकिन चैलेंज ये होगा कि सामने क्वालिटी गेंदबाजी भी है, गेंद को ड्राइव किया बहुत बढ़िया तरीके से, आगे गेंद थी लॉकअप क्षेत्र में, बाउंड्री लाइन पर जो खिलाड़ी, इन्होंने गेंद को रोका, 1 रन देने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, डबल फिगर में 10 रन, छावनी परिषद देव रोड प्रेजेंट स्वच्छता ही सेवा 2024, 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान जारी रहेगा। पुल करना चाहते थे लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है। एक्शन रिप्ले में देखिए रंजीत किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं और बढ़िया लाइन, टिप्पा बिल्कुल 34 स्टंप की तरफ होता है या 35 स्टंप की तरफ, और गुड लेग पर टिप्पा खिलाते हैं, हमेशा गुड लेग पर, और ऑफ स्टंप के करीब से गेंद विकेट कीपर की तरफ चली गई, ज्यादा ऊंचा नहीं था, अच्छी गेंदबाजी, और एक अच्छी गेंद तेज रफ्तार की, तेज तर्रार गेंदबाजी, पिछले ओवर में क्षितिज ने कमाल की गेंदबाजी की, उसके बाद में देखिए रंजीत दबाव बनाते हुए बल्लेबाजों के ऊपर, एक्सीलेंट बॉलिंग, लुक एट दिस बॉल, स्टंप के करीब से गेंदबाजी, टिप्पा 6 स्टंप की तरफ था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्लेबाज गेंद को भाप नहीं पाए। इसी बीच निवृत्त चषक के आयोजनकर्ता सुरेश दत्ता भिसे आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है।
रंजीत पराठे कुक के अभाव बढ़िया तरीके से टप्पा खाने के बाद उछाल था, टाइमिंग बेहतरीन, बल्लेबाज सागर पवार वेलकम सिक्स। अब देखिए ये शॉट, क्योंकि बाउंसर डालने की कोशिश की, बल्लेबाज बैक पर तैयार थे, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर ही था, उछाल था, जल्दी भाप लिया था, पढ़ लिया और गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट पॉडिलन के बाहर, तारामंडल में शानदार गगनचुंबी छक्का। स्कोर इसी के साथ 16 पर पहुंच चुका है। प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे रंजीत पराठे, दर्शन स्टोक बल्लेबाज सागर पवार का। ऑन साइड पर लॉन्ग लेग, एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, लेग के ऑन साइड पर टाइमिंग इतना बेहतर नहीं है, दीपक पांडियन पर मौजूद है लॉन्ग लेग पर, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था। और दीपक के पास ये तीसरी गेंद आई है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा जजमेंट है इनका। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 17 पर, ऊपर तीसरा प्रगति पर, 5 ओवर का मुकाबला। और ये मुकाबला समाप्त होने के बाद मैं दरखास्त करना चाहूंगा संकल्प पुलिस टाकली डोकेश्वर और आसी गांव नेमगांव, आप तैयार है इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए। हवा में गेंद ऊपर चली गई है, रंजीत भाग रहे हैं, एक लांगा पर खिलाड़ी है, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद लांगा पर, लांगोर के बीच जो फासला है उस फासले में गिरती भी, जो खाली क्षेत्र है वो खाली क्षेत्र में, रंजीत पराठे के इस ओवर में छक्का भी आया, बहुत सारी चीजें हुई और ओवर के समाप्ति 3 ओवर के बाद रन संख्या 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर, विनोद 4 पर खेल रहे हैं और सागर पवार एक छक्के की मदद से 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों बल्लेबाज साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट मैच है और जो बाहर की सुनता है वही डर जाता है और जो अंदर की सुनता है वो सबर जाता है। अपने आप पर विश्वास रखने का समय है, खुद के पर यकीन रखिए, एक बार फिर आपके दिन हसीन आ सकते हैं। अंडर प्रेशर आपको बेहतर बल्लेबाजी करने, क्योंकि 4 विकेट आपके गिर गए हैं, आपकी टीम में दबाव में है और कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है, लेकिन वो टैलेंट कब देखा जाता है, दबाव में, दबाव में आपका किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। संदीप के हाथ में गेंद, शॉट अच्छा ऑन साइड पर, गेंद को पुल किया मिड विकेट पर, खिलाड़ी उनके पास कोई मौका नहीं, 4 रन, संदीप पवार की बल्लेबाजी धुमाधार, रन मिलेंगे 4, पलटवार करने का प्रयास कर रहे हैं, अनसेटल करने की कोशिश करते हुए स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 23 पर 23। अंडर प्रेशर अच्छा प्रदर्शन इस मुकाबले में, खास करके संदीप पवार का, सागर पवार का, और गेंदबाजी कर रहे संदीप, बैंक ऑफ इंडिया एंड से गेंदबाजी, आमाद बहुत मिट्टी आई है, खिलाड़ी यहां मौजूद है, सुंदर फील्डिंग, लॉन्ग ऑन पर अनुभवी खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है, चाहे तो दूसरा भी बन सकता था लेकिन आज विनोद तैयार नहीं थे, क्योंकि जब गेंद को रोकने का प्रयास किया गया तो क्लीन तरीके से गेंद को नहीं रोक पाए थे लॉन्ग ऑन पर बॉडी रन पर खिलाड़ी। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है, देखिए यहाँ क्या हुआ था, यहाँ बहुत बार फंबल हुए, गेंद को ढूंढते रहे, अगर आप चाहे तो दूसरा रन भी बना सकते थे। संदीप की इस ओवर की कहानी दोगे तो मैं 5 रन, स्कोर 24। गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है, रंजीत ने गेंद को फील्ड किया, एक रन देने का मौका, अब संदीप पवार भागने के लिए, सागर पवार भागने के लिए तैयार नहीं है। संदीप की जो गेंदबाजी है, पहले 3 गेंदों की अगर कहानी देखे तो अभी तक इन्होंने 6 रन दिए हैं, एक चौका पहली गेंद पर और उसके बाद में कमबैक करने का प्रयास। ओ ब्यूटीफुल डिलीवरी, टिप्पा खाने के बाद ये नीचे रही, अगर इस तरह की गेंदबाजी होगी ना तो बिल्कुल बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकते। गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और एक बिंदी गेंद, स्कोर 25, 4 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर टाइमिंग बेहतरीन, गैप ढूंढा, वन शॉट, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चल के वो समंदर भी आएगा। अंडर प्रेशर अच्छी पारी खेलते, देखे शॉट सुंदर तरीके से बल्लेबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर जाए, एक बार फिर थोड़ा सा चप्पल होके आए थे, पैरों पर गेंद थी, खूबसूरती के साथ कलात्मक क्रिकेट खेल दिया, क्या ढूंढा, टाइमिंग बेहतरीन, फ्रेशन में बहुत ही शानदार, और जब मौका मिल रहा है तो चौका जड़ते हुए बल्लेबाज सागर पवार।
अपना दमखम दिखाते हुए स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 29 पर 29। यह और बेहतर है, राह मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है। क्या गजब की बल्लेबाजी इस मुकाबले में सागर पवार द्वारा, अपनी पावर दिखाते हुए। अगर पुण्य नगरी में आप हैं तो सागर पवार है, पवार अपना जलवा दिखाते हुए बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। इंपॉर्टेंट मैच और अब जाके स्ट्रोक देके टप्पा खाने के बाद उछालता टॉप ऑफ द बॉल जाके बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था बॉलर के सर के ऊपर, जो हमारे कैमरामैन है उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई। शॉट देखिए, आत्मविश्वास देखिए और टाइमिंग देखिए। स्कोर 35 रन। स्पेशल थैंक्स फॉर कैला स्पॉन्सर राजेश टिड़ेकर, रघुवीर शेलार, राजेंद्र तरस, श्री कृष्ण बेगड़े, संदीप गाडिलकर सर, समीर चौगले, किरण कर, गुलाबराव वाबले, विल्सन सर, विमल कोल, सचिन निम्बाकर, संदीप लिमन, दीपक टोंगरे, विजय शिंदे, संदीप ब्रेंडवाल, गणेश विधाटे, सनीदादा आपसे, तनाजी बंसोड़े, उत्तम बोरे, सूरज गायके, श्रीकांत गायकवाड़, अमोल काकड़े, विजय बोरे, गणेश कोकड़े, विकास बोड़के, मामल टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन, यंग स्टार दत्तनगर, अचानक बॉयज, अष्टविनायक विजम, आयन इलेवन, मामरणी फाइटर्स, बोरिया फाइटर्स, नॉटी बॉयज, चिंसोली, रावी तेलीबन। अब फिलहाल चार ओवर का खेल, पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 2, तीसरे ओवर में 10 और संदीप के चौथे ओवर में 16 रन। तो सागर पवार ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, सुधबुद्ध के साथ बल्लेबाजी की है। अनिकेत की पहली गेंद ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे विनोद। 5 गेंदों का खेल अभी आना बाकी है। सागर पवार उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। संदीप का एक अच्छा ओवर था जो बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ। राहुल टीवीएस नारायण गांव, छावनी परिषद देवरोड टूर्नामेंट के आयोजन करता स्वच्छता ही सेवा 2024 स्वच्छता अभियान का एक बहुत अच्छा संदेश फिलहाल दिया जा रहा है। हवा में गेंद और लॉन्ग ऑन पर बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है, क्या गेंद को रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने इस गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया। और देखिए एक तरफ सागर पवार अपने पास स्ट्राइक रख रहे, खुद के ऊपर विश्वास है, बहुत अच्छी पारी अभी तक रही है। सागर पवार द्वारा 22 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट सबसे बड़ी बात है, स्ट्राइक रेट इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा। स्कोर 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आए, गति परिवर्तन किया गया था, एक रन मुकम्मल किया, चाहे तो दूसरा भी बना सकते हैं और विनोद को अपना विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि सागर पवार अपने पास स्ट्राइक रख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा खेलने की कोशिश। बल्लेबाज विनोद बैक टू द पेवेलियन। स्कोर 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज अनिकेत द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। गति परिवर्तन किया गया था और टिप्पा काफी ऑफ टेक के बाद, टिप्पा खाने के बाद पार की तरफ टर्न होते हुए ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। यार रंजीत पराठे बहुत तेजी के साथ भाग के आए और अच्छा थ्रो नो स्ट्राइक रेंज पर विनोद अपना विकेट सैक्रिफाइस करते हुए। न्यू बैटर तेजस, इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदों का खेल अभी भी आना शेष। पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर एक सिंगल और एक रन आउट। बढ़िया लाइन, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी क्योंकि आखिरी ओवर चल रहा है तो आखिरी ओवर में दे दनादन बल्लेबाजी जरूर होती है, लेकिन इस ओवर की अगर बात करें तो बल्लेबाजों को गेंदबाज ने खामोश रखा है, रनों पर अंकुश लगाया है अनिकेत ने। 37 फिलोसोफर विकेट, एक्सेलेंट बॉलिंग बाय अनिकेत। लुक एट दिस बॉल, टप्पा खाने के बाद उछालता, ज्यादा गति नहीं है, इसलिए फिरते हुए गेंद के ऊपर उल्टॉस, इसके ऊपर प्रहार करना चाह रहे हैं, क्या गेंद बॉडी लाइन के अंदर या बाहर, और यह कैच लॉन्ग अप पर अच्छा कैच। सागर पवार की पारी समाप्त और पूरा क्रेडिट जाएगा अनिकेत के लिए जिन्होंने बांध के रखा, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। और फिलहाल इस वक्त राहुल टीवेस नारायण गांव के उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका, इस मैच में इंपॉर्टेंट पारी खेली है, दबाव में फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे, बॉलर के सर के ऊपर से खेलने का पूरा प्रयास किया गया,
लेकिन गेंद बहुत ज्यादा ऊपर चले गई थी। लॉन्ग ऑफ पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात, दूसरे प्रयास पे इन्होंने शानदार कैच लपका, तेईस रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया, एक अच्छी पारी समाप्त। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई दे रहा है 38, क्योंकि आखिर गेंद शेष है 37/6। न्यू बैटर अक्षय, नेक्स्ट मैच संकल्प पुलिस इलेवन शुरू, टाकड़ी डोकेश्वर और आसेगांव निमगांव। सुंदर गेंदबाजी इस ओवर में, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी का पता चलता, अजित का थ्रो अगर बेहतर है तो बल्लेबाज आउट, दूसरे रन के लिए भाग रहे थे अक्षय। तो प्रोजेक्ट का स्कोर दिखाई दे रहा था 38 और स्कोर बन गया है 38-38। 39 रन का टारगेट माडोगंडा फराटे के सामने, रंजित फराटे जिनके ऊपर सबकी निगाह रहेगी, पिछले 2-3 साल में बिल्कुल फॉर्म में खिलाड़ी है। और मैं अब दरखास्त करना चाहूंगा संकल्प पुलिस इलेवन शुरू, टाकड़ी ढोकेश्वर और आसेगांव निमगांव, आपको टॉस के लिए आना है। चावनी परिषद देवरोड एक टूर्नामेंट के आयोजन करता और पहली बार ऐसा एक टूर्नामेंट है जो स्वच्छता अभियान का संदेश सबको दे रहा है। स्वच्छता अभियान का याद रखेगा हिंदुस्तान। देखिए इस मुकाबले में टोटल इतना बड़ा नहीं है, राजू पाटे एक मनजबी खिलाड़ी है जिनके पास काबिलियत है, विशांत निगोट जैसे खिलाड़ी है उनके पास काबिलियत है। आज सागर पवार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 39 का टारगेट और आसेगांव निमगांव टॉस के लिए आइए। आसेगांव निमगांव आणि टाकड़ी डोकेश्वर संकल्प पोलीस इलेवन शुरूर आपण टॉस साठी यायचे। स्पर्धेचं पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक आपण पाहू शकता, 1,00,000 रुपये आहे, लाख बोलाची स्पर्धा। स्वर्गीय दिगंबर दादा भेगडे माजी आमदार यांच्या स्मरणार्थ भावी आमदार रवींद्र आप्पा भेगडे यांच्या माध्यमातून द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक 50,000 रुपये उपविजेता संघाला 50,000 रुपये देऊन या ठिकाणी गौरवण्यात येणार आहे। स्वर्गीय गजानन रमेश देसाई यांच्या स्मरणार्थ श्रीकांत देसाई यांच्याकडून तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक 25,000 रुपये, आदरणीय बाळासाहेब शेलार पाटील यांच्या माध्यमातून हे 25,000 रुपयाचं पारितोषिक स्पॉन्सर करण्यात आलेलं आहे। प्रायोजक बाळासाहेब शेलार साहेब आपले मनापासून धन्यवाद। चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक 25,000 रुपये स्वर्गीय सुरेश दत्तोबा दाभाडे नाना ज्यांनी इलेवन चॅलेंजर्स ला फार मोठं योगदान सातत्याने दिलेलं आहे आणि आज त्यांच्या स्मरणार्थ व हनुमंत लक्ष्मण जुनवणे यांच्या स्मरणार्थ गणेश जुनवणे यांच्या माध्यमातून 25,000 रुपयाचं पारितोषिक प्रायोजित करण्यात आलेलं आहे। वेळ जास्त घेऊ नका, सामना लगेच सुरू करायचा आहे, महत्वाचा मॅच। कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पात्रा सामन्याचा दुसरा डाव, दुसरा डाव देखील रंगेल। धावसंख्या छोटी असली तरी सुद्धा या मॅच मध्ये 2-3 विकेट विशेष करून महत्वाचे जे खेळाडू आहेत 1-2-3 ते जर बॅटर बाद करण्यामध्ये तुम्हाला लवकर यश मिळालं तर सामना रंगतदार होईल। सागर पवारनं अप्रतिम बॅटिंग केली, प्रत्येक सामनावीराला कॅप, केप सूर्यवंशी मामा यांच्या स्मरणार्थ नितीन सूर्यवंशी उत्कृष्ट फलंदाज ट्रॉफी, कृष्णा चलवादी यांच्या माध्यमातून उत्तम प्रकारची आकर्षक ट्रॉफी आहे, उत्कृष्ट गोलंदाज ट्रॉफी सुरेशराव भिसे, प्रेक्षणीय सामन्यासाठी टी शर्ट निखिल शेठ अग्रवाल, बॉल आणि बस स्टंप सौजन्य नतू शेठ दाभाडे, वायफा पाणी सौजन्य रोहन शेठ गायकवाड, त्याचबरोबर सचिन निंबाळकर यांचे मनापासून धन्यवाद, एक चांगले खेळाडू देखील आहेत। धनराज भाऊ शिंदे या ठिकाणी इलेवन चॅलेंजरचे एक लिजंड खेळाडू आहेत आणि त्यांना मी नम्र विनंती करेन आपण मंचावरती या। धनराज भाऊ शिंदे आपण व्यासपीठावरती यायचे, लिजंड खेळाडू इलेवन चॅलेंजर संघाचे एक काळ त्यांनी गाजवलेला आहे। 39 रनों का टार्गेट, जो हमारे पास नहीं वो खौफ है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है, ये सोच के आपको गेंदबाजी करनी है। रंजित पराठे फिलहाल आप देख रहे,
अनिकेत और रंजीत की जोड़ी मैदान के अंदर, और दोनों के पास काबिलियत है। इंपॉर्टेंट मैच है, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है, वक्त रुकने वाला नहीं है। इस मुकाबले की बात करें तो रंजीत पराठे के ऊपर सबकी निगाहें क्रिक लाइक के द्वारा ये प्रतियोगिता आप देख रहे हैं घर बैठ के और आपके मोबाइल पर। समय ज्यादा न ले, 12:59 का समय हो गया, और दोस्तों ये दूसरा मुकाबला है। टाकड़ी पर डोकेश्वर, अच्छेगांव निमगांव टॉस के लिए आइए। 39 रनों का टारगेट और अमोल विकेट के पीछे, गेंदबाजी करने के लिए विशाल निगोट। एक तरफ बल्लेबाज की बात करें तो रंजीत पराठे, अनिकेत स्वस्थ स्ट्राइक रेट पर, यह भी कमाल का खिलाड़ी है। अनिकेत इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर मौजूद, और नौ स्ट्राइक रेंज पर रंजीत पराठे, विशाल निगोड और एक प्रोफेशनल खिलाड़ी जिन्होंने हमेशा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, एक फ्लाइंग टेम्पल खिलाड़ी, उसके साथ पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी बल्लेबाज अनिकेत के लिए, और ऑनसेट पर लॉन्ग ऑफ पर जो बाउंड्री रन पर खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी वो दायरे के अंदर लेके आए, मिड विकेट स्क्वायर लेग पर बाउंड्री रन पर खिलाड़ी, और फाइन लेग का खिलाड़ी बाउंड्री रन पर रखा हुआ है। विशाल थोड़ा सा समय लेते हुए, विशाल निगोट बैंक ऑफ इंडिया एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, लेफ्ट हैंडर अनिकेत ऑन स्ट्राइक। हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, गेंद की तरफ देख रहे, क्या गेंद को रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन, खिलाड़ी है लेकिन खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने, दर्शन स्ट्रोक का बल्लेबाज अनिकेत का, और विशाल निगुट का स्वागत सिक्सर के साथ हुआ। देखिए ये शॉट कमाल का स्ट्रोक था, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को खींच के मारा लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर। अच्छी लाइन, इससे पहली वाली गेंद खराब नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो टाइमिंग किया गया था बल्लेबाज द्वारा। अब ये देखिए दूसरी गेम विशाल निगोट की, टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल मिला ऑफ स्टंप के बाहर, पांचवें छठे स्टंप की तरफ गेंद, गुड्डे पर टिप्पा खिलाते हुए। आज हमारे साथ अमित जुड़े हुए तो कमेंट्री करने के लिए और मजा आ रहा है, क्योंकि एक्शन रिप्ले आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, अनिकेत में सहारा, अमोल ने अनमोल कैच लपका, विकेट चाहिए 39 आपको डिपेंड करने हैं तो बिल्कुल विकेट की सख्त जरूरत है, और 6 पर पहला झटका, 6 रन बनाए अनिकेत ने, विकेट लिया विशाल निगोट ने, अमोल ने बहुत बढ़िया कैच लपका, ऑफ स्टंप के बाहर वाला जो चैनल है लाइन है वो बहुत बढ़िया, आंखों से दूर खेलने के कुछ शॉट अच्छा नहीं था, शॉट बहुत अच्छा नहीं था, देखिए एक बार फिर ये शॉट, जब खेलने की कोशिश वो कर रहे हैं तो टिप्पा काफी ऑफ स्टंप के बाहर, आंखों से दूर गेंद थी, सुंदर गेंदबाजी, एक ड्रीम बॉल की जरूरत थी, वो ड्रीम बॉल कितनी दूर वाली गेंद है, और गेंद को कट करना चाह रहे थे, अमोल तैयार, तालियां बजा रहे, हौसला बुलंद करते हुए पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया विशाल निगोट ने, प्रमुख गेंदबाज है, फ्रंटलाइन गेंदबाज, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, अभी पता चलेगा कितना दमखम दमखम आपके पास है, कितना हुनर आपके पास है, और वो दमखम आपको दिखाना है। देखिए क्रिकेट में जब आप अलग अलग टूर्नामेंट खेलते हैं तो 5 ओवर का खेल है तो आपका बैंक बैलेंस कभी 40 भी हो सकता है, कभी 80 भी हो सकता है, लेकिन जब 40 है तभी आपको डिपेंड करना आना चाहिए, और 80 है तभी डिपेंड करना भी आना चाहिए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए क्षितिज, एक विकेट से बिल्कुल आत्मविश्वास विशाल निगोट का बढ़ गया, और लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट हैंडर ने रिप्लेस किया है, क्षितिज ने नपितुली गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी की है, राजू पांडे इनके पास मौजूद है, और एक खिलाड़ी जो है वो अपना आगे लेके आए कवर पर या पॉइंट पे क्षेत्र में लेके आए, पॉइंट क्षेत्र में लेके आए,
प्लान बन रहा है, खिचड़ी पक रही है, शतरंज की चाल एक एक चलते हुए खिलाड़ी विशाल निगोट। बैंक ऑफ इंडिया एंड से गेंदबाजी करेंगे, स्टॉक कवर पर खिलाड़ी है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, एक लॉकअप पर खिलाड़ी तैनात। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया था, टाइमिंग अच्छा नहीं है, अमोल भाग रहे हैं, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए, दो रनों के साथ बल्लेबाज क्षितिज का खाता खुला। लेकिन यह भी बहुत अच्छी गेम थी, सुंदर गेंदबाज का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा। विशाल निकोट गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया लाइन के साथ, अच्छे चैनल के साथ, अच्छे रिदम के साथ, एक छक्का आने के बाद कम बैक करते हुए टिप्पा खाने के बाद विशाल था ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाह रहे थे, लेकिन टाइमिंग अच्छा नहीं था क्षितिज का, बहुत ऊपर गेंद चले गई। लेकिन स्क्वायर लेग पर देखिए, स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी वो बाउंड्री रन पर है, इसलिए वो कैच नहीं हुआ। अमोल ने पूरी कोशिश की लेकिन उनसे दूर गेंद थी, स्कोर 8-1 विकेट के नुकसान पर। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, जो हमारे पास नहीं वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है। वो सोचते हुए आज विशाल निगोट जो है गेंदबाजी कर रहे हैं। एक्शन रिप्ले देखे क्रिक लाइव पर, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। क्षितिज मैदान के अंदर आए थे बिल्कुल कुछ करने के लिए, लेकिन विशाल निगोट हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वही गेंद थी जो अनिकेत के लिए थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन, ऑन साइड पर खेलना था, शॉट बहुत खराब था क्षितिज का, इतनी दूर वाली गेंद है जो छठे सातवें स्टंप की तरफ है, इसको आप डी स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे। बल्लेबाज क्षितिज आउट। जितेंद्र शील के मैदान के अंदर, अनुभवी खिलाड़ी है पुराना चावल, 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और आपने किए 2 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और इस मैच में विशाल निगोट कर रहे पलटवार, जो नहीं जानते खेळाडू या ठिकाणी चैलेंजर साहेब तंदराजी शिंदे मंचावरती दाखल झाले, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत, त्याचबरोबर तानाजी बनसोडे उत्तम मोरे यांचंही मनापासून स्वागत आहे, सुरेश दादा भिसे, लवकरच येणारी स्पर्धा निवृत्ती चषक त्याचे आयोजक, और इम्पॉर्टेंट मैच है, मजा आएगा। अब 2 लेफ्ट हैंडर जिनको भेजा गया था वो तो चले गए डगआउट की तरफ। जितेंद्र शील के ऑन स्ट्राइक, ओहो क्या गजब की गेंदबाजी, पीछे हटकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले को लगी, बल्ले का अनुनी किनारा और वहीं पर लुढ़की, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। अमोल आपके पीछे, अमोल और बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। देखिए आपके पास 80 रन है वो बैंक बैलेंस होता है, तब जाकर आप अच्छी गेंदबाजी करें तो बिल्कुल एक बार फिर उसके ज्यादा चर्चा नहीं होगी। लेकिन आपके पास केवल 39 रन है और पहली गेंद पर सिक्सर आया, उसके बाद आप इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो आप तारीफ के काबिल है। और 2 शिकार, लेफ्ट हैंडर को भेजा गया था, ओपोनेंट टीम का प्लान था आपको अनसेटल करना, लेकिन उसके बावजूद आपने कमाल का ओवर डाला है। पहले ओवर में रन संख्या 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मंडगुंड पराठा और एसए टाइगर मंचर राहुल टीवी नारायणगांव के बीच मुकाबला, अब रंजीत पराठे के ऊपर सबकी निगाह, और बैंक ऑफ इंडिया एंड से गेंदबाजी करने के लिए रोशन पोखरकर, यह भी एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। लेकिन सामने रंजीत पराठे, आने वाले दिनों में जिनकी बहुत चर्चा होगी, चर्चा हो रही है, रंजीत पराठे, रोशन पोखरकर। पहली गेंद पर घूम कर खेलना तो चाह रहे थे, लेकिन गेंद पर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, बल्लेबाज सफल हुए लेकिन सफल नहीं हुए। बहुत अच्छा स्टार्ट रोशन पोखरकर का, रन संख्या 8 रन, जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। स्कोर अगर देखें तो उस तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पाया, पहली गेंद पर छक्का आने के बाद बहुत ही बेशकीमती 2 विकेट अनिकेत और क्षितिज। फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है और नहीं, कुछ नहीं कर सकते, खिलाड़ी यहां मौजूद थे फाइन लेग पर, प्लान बिल्कुल तैयार था, योजना के अनुसार गेंदबाजी हुई, रंजीत खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन गेंद कहां आई है, गेंद इस वक्त पॉइंट लेग बाउंड्री लाइन की तरफ आई। संकल्प पुलिस 11 शुरू टाकड़ी पर, डोकेश्वर बनाम अचेगांव निमगांव, आपके लिए कम से कम 7-8 बार कॉल हुआ है तो आपको टॉस के लिए आना है। अचेगांव निमगांव टाकड़ी डोकेश्वर टॉस के लिए आना है,
यह आखिरी कॉल है दोनों टीमों के लिए। अपने बॉलिंग मार्ग पर रोशन पोखरकर ऑफ स्टंप के बाहर चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं था। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, मजा तब आता है ना जब एक बार फिर सामने वीरेंद्र सहवाग हो, जब सामने से बेगरा गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बार फिर ब्रेटली है, सचिन तेंदुलकर है, तो मजा आता है। अब रोशन पोखरकर के सामने रंजित पराठे जैसे एक बार फिर बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है और उनको आप बीट कर रहे हैं, तो गेंदबाज में भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा बैटल होने वाला है। स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट गॉन, रोशन पोखरकर ने शिकार किया। तारीफ करूंगा मैं अमोल की, जिस तरह से ये कैच लपका, ये तीसरा कैच है अमोल का, इसलिए टीम के लिए अनमोल। ये कैच देखिए कठिन क्या था, कठिन किस लिए ये भी आपको बताऊंगा। 12 पर 3 झटका, एक्शन रिप्ले देखिए क्रिक लाइव पर, कमाल का कैच। और आज अमित भुजबल भी कमाल कर रहे हैं, मैं ये भी बताऊंगा कि क्या कमाल कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रोशन पोखरकर, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टिप्पा बिल्कुल ऑफ टर्म के काफी बाहर था, गेंद को खेलने की कोशिश, अबे फ्रॉम द बॉडी, बल्ले का अनुनी किनारा, ये कैच लेना मुश्किल होता है जो बल्ले का अनुनी किनारा लगता है, उसके बाद में गेंद नीचे डीप हो जाती है। तो अमोल तैयार है, तैयार थे, पोजिशन में थे। तीसरा कैच, दो कैच आसान थे लेकिन ये कठिन कैच था। रोशन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि बड़ी मछली जाल में फंसी है। रंजीत बैक टू द पवेलियन, स्कोर 12 पर 3। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं। अमोल, अमोल अमोल विकेट के पीछे, प्रतीक का न्यू बैटर हो किया, बहुत खूबसूरती के साथ प्रेशर रिलीज करने वाला छक्का, प्रतीक के बल्ले से बाउंस हटाने की कोशिश, सर की तरफ गेंद आ रही थी लेकिन तैयार थे बल्लेबाज, माइंडसेट बहुत अच्छा है। घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए, घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, लेकिन दबाव बन गया, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। माइंडसेट अच्छा था, बाय हुक बाय क्रुक आपको हुक शॉट खेलना था, हुक शॉट आपने खेला और सफलता आपको मिली, कमाल का स्ट्रोक। बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं प्रतीक, स्कोर फिलहाल 18 प्लस 3 विकेट। रोशन पोखरकर दूर बल एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अच्छी लाइन लेकिन सेंसिबल बल्लेबाजी, स्टीयर किया गेंद को, थर्डमैन बाउंड्री की तरफ पीछा कर रहे, फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी, दो रन देने का मौका मिलेगा और इसी दो रन के साथ रन संख्या 20 रन। देखिए यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, जब शॉर्ट पिच गेंद थी तो बैकफुट पर हुक किया, उसके बाद में ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इंतजार किया, गति का इस्तेमाल किया और गेंद को थर्डमैन क्षेत्र में खेल दिया था। तो ये बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। दो ओवर का खेल, स्कोर 20-3 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है और ये आपके स्क्रीन पर देखिए 18 गेंदें, 19 रनों की जरूरत है। नाउ रिमेनिंग 18 डिलीवरीज एंड नीड 19 रन। शुक्रिया अमित, आज विनोद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शंकर स्वामी 11 चैलेंजर के सदस्य है, सर आपका भी स्वागत है। छावनी परिषद का ये अच्छा टूर्नामेंट, स्वच्छता ही सेवा 2024, 18 गेंदें 19 रनों की जरूरत है। विशाल निगोट फिलहाल गेंदबाजी करने के तैयार है। ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, सुंदर तरीके से गेंद को स्टक पर बाउंड्री लाइन की तरफ खेलना है और लॉन्ग अप पर खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ है, लेकिन उसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने चतुरा के साथ 2 रन मुकम्मल किए हैं। 17 रनों की जरूरत है, 17 गेंदों का खेल आना बाकी। स्कोर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग बहुत अच्छी हुई लेकिन चीते की दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। छावनी परिषद देवरुण प्रेजेंट स्वच्छता ही सेवा 2024 का ये घमासान आप देख रहे हैं। स्विंग एंड मिस, आउट। जितेंद्र बैक टू द पवेलियन, और एक सफलता मिली है। फिलहाल आप देख रहे हैं गेंदबाज को, जितेंद्र शिर्के बैक टू द पवेलियन, अनदर बिग विकेट। अमोल का ये चौथा कैच, लेकिन देखिए एक बार फिर ये गेंदबाजी,
टिप्पा खाने के बाद थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर हरकत करते हुए गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, दोबारा बल्ले का अनुने किनारा, जजमेंट बहुत अच्छा अमोल का विकेट के पीछे। अभी तक इन्होंने चार कैच लपके हैं, 22 रन चार विकेट के नुकसान पर। आपके पास 16 गेंदे हैं, 17 रनों की जरूरत है। आकाश पे मुझे हुए ज्यादा काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बीच मैदान पर संकट के बादल मंडराते हुए 17 तो खतरा है, लेकिन ये किसके लिए ये तो आने वाला समय बताएगा। इंटरेस्टिंग, रोचक, दिलचस्प मुकाबला बीच मैदान पर। नाउ रिमेनिंग 16 नीड 17 रन टू विन द मैच। न्यू बैटर इन, नए बल्लेबाज आए हैं, अगर अमोल बल्लेबाज का नाम बताइए तो बेहतर हो जाएगा। संदीप, संदीप गिरे, पहाड़ी किनारा और अमोल का सहारा, पांचवा कैच, अद्भुत, अनबिलीवेबल। ये कैच दोबारा देखिए, अमित भुजबल आज ये सारे वीडियो जो है ना वो वायरल करने वाले हैं। ये एक बार फिर कैच देखिए, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेम, यहां इन्होंने कैच लपका और उसके बाद में सेलिब्रेशन। ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं, एक बार फिर देखिए, इस तरह के कैच लपकते नहीं चिपकते हैं, एक हाथ से कैच। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है भाई। अमोल ने 5 कैचेस पर लपके अभी तक, एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग। एक बार देखिए, बार बार देखिए, 100 बार देखिए, 1000 बार देखिए, देखते रह जाओगे भाई, देखते रह जाओगे। वंडरफुल, वंडरफुल विकेट पिकिंग, विकेट कीपिंग आज अमोल द्वारा, अमोल गोडेकर। न्यू बैटर, बल्लेबाज का नाम बताइए। स्कोर मैं आपको बताते जाओ, स्कोर 22 5 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज का नाम बताइए प्लीज। श्रेष्ठ, न्यू बैटर, 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमाते हुए। ऑन साइड पर पुल करना चाह रहे थे गेंद, बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। इस मैच में आज अगर देखे तो बल्लेबाजों ने बिल्कुल हराकिरी की है, टोटल बड़ा नहीं है लेकिन टोटल बड़ा चल रहा है, और अच्छी बात है इस मुकाबले में गेंदबाजों द्वारा। और खास करके विशाल निगोड, जिनके लिए ग्राउंड जो है बिल्कुल लकी है, इसी ग्राउंड पर इन्होंने पाइपर पूरा किया था और 5000 का इनाम इनको मिला था। Another PU deep delivery, just pitching out of the off stump. Batsman looking for the big shot onto the on side. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket and there can be no run. क्या कमाल की गेंदबाजी! अब जाकर आपके पास 13 गेंदे, 17 रनों की जरूरत है। स्कोर 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रेट बढ़ रहा है, यह समस्या हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है 5 विकेट आपने खो दिए हैं। अब जिम्मेदारी है बल्लेबाज श्रेष्ठ के ऊपर और प्रतीक, प्रतीक 8 पर केंद्र है, जिन्होंने एक छक्का जड़ा, बाकी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अनिकेत ने एक छक्का जड़ा था, रंजित पराठे के बल्ले से एक चौका, स्ट्राइकर इरफान राजेश 13 गेंदे, जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। विशाल की अगली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, लेग स्टंप के बाहर जाके खेलने की कोशिश। पहले आप ऑफ स्टंप के बाहर आए, शफल हो रहे और उसके बाद में थोड़ा और पीछे जा रहे। बेहतरीन गेंदबाजी, क्लास गेंदबाजी मैदान के अंदर विशाल निगुट द्वारा। और विशाल निगुट का बॉलिंग एनालिसिस, 2 ओवर 10 रन, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सफल गेंदबाज है, इन्होंने विकेट भी प्राप्त किए हैं। तो फिलहाल इनका प्रदर्शन, 2 ओवर 10 रन और 4 शिकार, स्कोर 22 for 5। नाउ रिमेनिंग 20 ओवर्स, आई नीड 17 रन टू विन दिस मैच। दैट्स वेरी गुड बाय महेश कादड़े, 11 एवलेबड़ी उन्नरी, आप तैयार है अगले मुकाबले के लिए, और उनके खिलाफ होगा ये जो रोचक मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। जो टीम जीतेगी वो खेलेगी महेश कादड़े 11 एवलेबड़ी के खिलाफ। मजा, बहुत ही मजा आएगा।
जबरदस्त मजा आएगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखे कहानी इंटरेस्टिंग है। स्कोर 22, 5 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रिक्वायरमेंट रेट 8.50 का है। ऑन साइड पर खेलने के लिए बिल्कुल तैयार थे, देखा कि एक बार फिर गेंद रुक कर आ रही है, तो बल्लेबाज प्रतीक जो है ना वो दुविधा में रहे। विकेट प्राप्त करने के लिए सामने वाले के मन में आशंका के बीज बोना बहुत जरूरी है, तभी आपको वो विकेट मिलता है। गेंद और बल्ले के बीच एक जबरदस्त जंग। ऑन साइड पर लॉग आउट क्षेत्र में गेंद को पुल किया, श्रेयस नौस्टेक गेंद पर गिर गए हैं और ये विकेट गिरना तय है। छठे विकेट का मतलब नौस्टेक गेंद पर जाना चाहते थे, पूरा रन करना चाहते थे, लेकिन स्ट्राइक रेट की तरफ से गिर गए। समय बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे रन अगर देखे तो 39 रन डिपेंड करने, 39 रन का स्कोर बोर्ड है, लेकिन देखिए क्या हुआ था। ऑन साइड पर गेंद को खेलने का प्रयास, गति ज्यादा नहीं थी, अच्छा टैपिंग नहीं कर पाए, गेंद लॉगर की तरफ आई, थ्रो बहुत अच्छा था राजू, ओहो राजू बन गया जेंटलमैन, श्रेयस बहुत निराश। स्ट्राइकर इनकी तरफ गिर गए थे, तो नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ आने के लिए समय नहीं मिला। फिलहाल दोनों अंपायर चर्चा कर रहे। स्कोर है 23-23, 6 विकेट गिर गए और दस गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। तो ये सिंगल रन है, न्यू बैटर दीपक मैदान के अंदर आए, दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। 39 रनों का टारगेट, जो टीम जीतेगी वो खेलेगी महेश कांदड़े 11 एवलेवाड़ी के खिलाफ। राजू पाटी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और सुंदर गेंदबाजी, प्रतीक को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, टिप ऑफ टेप के बाहर, सही इलाके में गेंदबाजी, सही सोच के साथ, सही इंटेंट के साथ, सटीक लाइन पर गेंदबाजी करते हुए राजू पाटी। आपके पास गेंद शेष 9 और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। स्कोर 23 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मांडोगढ़ पराठा और एससी टाइगर मंचर राहुल टीवीएस नारायण गांव के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला, छोटा टोटल बड़ा बैटल। गेंद को कट करना चाह रहे थे लेकिन टिप ऑफ टप के बाहर है। आज देखिए गेंदबाज और अमोल, इनका जो बॉन्डिंग है बहुत बढ़िया रहा। 5 कैचेस आज लपके अमोल घोड़े करने, जिसमें एक अद्भुत कैच था जो एक हाथ से इन्होंने लपका था, शानदार विकेट कीपिंग। आपके पास 8 गेंदे 16 रनों की जरूरत। ये भी गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है, मिड विकेट पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है, थोड़ा फिसल गए और इसका फायदा उठाएंगे दोनों बैटर। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैटर ने। प्रतीक के ऊपर दारोमदार, क्या वो करेंगे पलटवार, इंपॉर्टेंट मैच है। राजू का 6 ओवर घट रहा है, 7 गेंदे 14 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 30 गेंदे थी, 30 गेंदों में आपको 39 बनाने थे, लेकिन देखिए यही इस तरह का क्रिकेट है, रबर बॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट में हमने हमेशा देखा है, सिंगल डबल बहुत मुश्किल हो जाते हैं। 7 गेंदे 14 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के राजू तैयार, फील्डिंग फाइटिंग पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी, मिड विकेट एक लंगन, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। बल्ला घुमा लेकिन मैदान नहीं झूमा, क्योंकि इस वक्त गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर अमोल ने गेंद को गैदर किया, आखिर गेंद बिंदी है। 6 गेंदों में जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है, और एक पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर।
और एक पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है, ये खेल है साहब बदलता जरूर है। और क्रिकेट का खेल जो है क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, राजनीति और क्रिकेट हमेशा रंग बदलता है, क्रिकेट का खेल रंग बदलता हुआ जीतने के लिए 39 का टारगेट, बीच मैदान पर चर्चा हो रही है और मजा आएगा, अब मजा आएगा इस मुकाबले में। अब बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, प्रतीक के ऊपर दारोमदार है बल्लेबाज दीपक, नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए 6 विकेट गिर गए हैं, अब 6 गेंदे 14। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अमित भुजबल, ये ग्राफिक आपके लिए दे रहे हैं, ये समीकरण रिक्वायरमेंटेड ऊपर जाता हुआ स्कोर 25, लॉस ऑफ 6 विकेट, जैसे कि टारगेट ऑफ 39 रन, नाउ रिमेनिंग 6 थ्रोज एंड नीड 14 रन, समय ज्यादा ना ले। और सेकेंड राउंड जो है वो 4 ओवर के होने वाले हैं, मांडवगढ़ फराटा पारगाव एसजी टाइगर मंचर राहुल टीवीएस नारायणगांव, व्हाट अ मैच, दर्शक तो बिल्कुल इस तरह का मुकाबला देखने के लिए आए हैं। और गेंदबाजी में परिवर्तन, ओंकार को बुलाया गया सामने, बल्लेबाज दीपक नौ स्ट्राइक रन पर, प्रतीक हल्की सी बूंदाबांदी बीच मैदान पर, बारिश आई बारिश चली गई, हवा में उछाला कमर पर खिलाड़ी, पीछे वैसे कोई नहीं है, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो जा रही है, 4 रन मिलने जो है बहुत महत्वपूर्ण, अच्छा स्ट्रोक, 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत और अब 5 गेंदों में 10 रन चाहिए, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार फोर, आगे गेंद थी जल्दी भाप लिया था, ज्यादा आगे गेंद थी, बहुत आसान था काम बल्लेबाज के लिए, और दीपक ने उम्मीदों के दीप जलाने का काम किया, 5 गेंदे 10, अपने बॉलिंग पार पर ओंकार तैयार, पहली गेंद पर दीपक ने किया जबरदस्त वार, रुकिया गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ बहुत तेजी के साथ, 4 रनों के लिए इस ओवर का आगाज धमाकेदार, रन मिलेंगे 4, बल्लेबाजी हो रहा शानदार, दोबारा बल्लेबाज ने किया पलट बाहर, देखेंगे शॉट टप्पा खाने के बाद उछाल था और गेंद को हुक किया, बल्लेबाज को लगी है रनों की भूख, बल्लेबाज ने शॉट खेला हुक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, अब समीकरण 4 गेंदे 6, पहले 2 गेंदों पर जलवा दिखाते हुए बल्लेबाज दीपक, आंखों के सामने खिलाड़ी राजू, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है, क्या मुकाबला चल रहा है, राहुल टीवीएस नारायणगांव और माडवगन पराठा दोनों तगड़ी टीमें मैदान के अंदर और संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है, जीत की उम्मीद और हार के डर के बीच का जो समय ना बहुत कमाल का होता है और वो सारी चीजें है ना महसूस करें, इससे पहले सुपर से ऊपर वाला मैच हुआ था, फुल टॉस पनिशमेंट गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, खैर खल्लास, 4 ओवर का मुकाबला होगा लेकिन ये मैच जो है कमाल का रहा, बाडोगन फराटा पारगांव और क्या फिनिश किया गया बल्लेबाज दीपक द्वारा, 2 चौके 1 छक्का, यह एक्शन ट्रिपल का विनिंग स्ट्रोक, फुल टॉस के टीम खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मेरी मंजिल, पूरा आसमान बाकी है, ब्रिक्स लोक और जीत का जश्न मनाने का मौका, दीपक कॉन्ग्रेचुलेशन। पहिल्यांदा आपण टॉस करणार आहोत, त्याकरता मी विनंती करेन मांडवगण पराठा, आपण टॉस साठी पहिल्यांदा टॉस साठी मॅन ऑफ द पुरस्कार कोणाला मिळणार ते देखील पाहूया, इथे संकेत यादव आमच्या बरोबर उपस्थित आहेत, महेश कानडे 11 एवलेबाडी उंडरी संघाचे कॅप्टन आणि टॉस करण्याकरता साजिद सर आमच्या बरोबर आहेत, शिंदे साहेब या ठिकाणी त्यांना देखील विनंती करेन, धनराज शिंदे जे ओल्ड इज गोल्ड, धनराज शिंदे यांनी एक काळ गाजवला, रणजित टॉस टॉस करून झालं घेत,
जितेश।